नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सीए राजेंद्र अरोड़ा है और आज हमारे साथ हैं सीए योगेश हरजाई। नमस्कार दोस्तों, वेलकम सर। थैंक यू सर। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं फैब्रिक मैन्युफैक्चरर्स के बारे में। दोस्तों फैब्रिक मैन्युफैक्चरर्स जिनका आउटपुट जो 5% पे टैक्स्ड है, फैब्रिक जो है 5% पे टैक्स्ड है, लेकिन उसको मैन्युफैक्चर करते हुए वो बहुत सारे इनपुट्स का यूज़ करते हैं जो कि 12, 18, 28 पर टैक्स्ड होता है, जिसकी वजह से वो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, मतलब इनपुट पर ज़्यादा आउटपुट पर कम टैक्स रेट, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में फॉल हो जाते हैं, जिसके लिए रिफंड का प्रोविजन सेक्शन 54 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट में है, लेकिन सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 प्रोविजो 2 ये बोलता है कि जिन जिन आइटम्स के लिए जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी, नोटिफाई होगा, उन उन आइटम्स का रिफंड नहीं मिलेगा। सरकार ने 1 जुलाई 2017 को 5/2017 सेंट्रल टैक्स रेट्स नोटिफिकेशन निकाला, जिसमें उन्होंने कहा कि फैब्रिक के ऊपर जितने भी आइटम्स हैं उसका इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में रिफंड नहीं मिलेगा। ये था बैकग्राउंड। मैं योगेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा फैब्रिक मैन्युफैक्चरर्स के लिए 26 जुलाई को क्या चेंज आया है, वो प्रेजेंट सिचुएशन हमें बताएं। सर एक बड़ा ही मेजर रिलीफ मिला फैब्रिक मैन्युफैक्चरर्स को, क्योंकि पहले क्या होता था, जब इनको रिफंड नहीं अलाउड होता था एक्सेस इनपुट का, अनयूटिलाइज इनपुट का, तो बेसिकली कहीं ना कहीं जाके ये सारा कॉस्ट बनता था। लेकिन अब जो ये 26 जुलाई को नोटिफिकेशन आया, उसमें सरकार ने कहा कि 1 अगस्त ऑनवर्ड्स जो भी परचेजेज होंगी उसकी अगेंस्ट जो इनपुट आएगा, एक्यूमुलेट होगा, उसमें से जो अनयूटिलाइज रह जाएगा उसका सरकार रिफंड अलाउ करेगी। बट इसके साथ साथ सर एक प्रॉब्लम हो रहा है, उन्होंने कहा कि 1 अगस्त से तो हम रिफंड अलाउ कर देंगे, बट अप टू 31 जुलाई जो एक्यूमुलेट हो गया आईटीसी, जो अनयूटिलाइज रह गया आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, वो कहीं भी यूज नहीं होगा, दैट शैल स्टैंड लैप्स। अब प्रॉब्लम ये आती है सर कि जो मेरी हार्डशिप है वो कहीं ना कहीं तो कंटिन्यू रही, क्योंकि मेरा इनपुट जो मेरे स्टॉक के अगेंस्ट पड़ा होगा वो जो मैं आगे यूज कर सकता था, इस नोटिफिकेशन की वजह से अब यूज नहीं कर पाऊंगा। तो सर ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? दोस्तों यहाँ पर जो योगेश जी ने कहा कि अलाउड होगा, क्रेडिट का रिफंड मिलेगा, दिस इज़ अ वेलकम चेंज, लेकिन लैप्स होगा, इस बात से 2-3 कन्फ्यूजन्स हमारे सामने आ रही हैं। हम आपको कन्फ्यूजन्स बताएंगे, फिर उसका हमारा सोल्यूशन क्या है वो बताएंगे। कन्फ्यूजन पहली तो ये है दोस्तों कि सेक्शन 16 में ऑफ सीजीएसटी एक्ट, जो क्रेडिट एलिजिबल है सेक्शन 16 में, ब्लॉक्ड नहीं है सेक्शन 17 में, क्या उस क्रेडिट को किसी नोटिफिकेशन के द्वारा लैप्स किया जा सकता है? पहला। दूसरा सवाल यहां पर कंफ्यूजन का ये आता है कि क्या सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 जो सिर्फ रिफंड नॉन अलाउएबिलिटी की बात करता है, क्या वो मेरे आईटीसी को वैलिड एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट को कंप्लीटली डिसअलाउ कर देगा? तीसरी बात, क्या कभी भी ऐसा संभव है कि कोई भी नोटिफिकेशन जो है वो एक्ट को ओवर रूल कर देगी? ये सारी कन्फ्यूजन्स जो हैं हमारे सामने हैं। मैं योगेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा व्यू क्या बनता है सर, उसके ऊपर जरा रोशनी डालें। सर एक सवाल बड़ा अच्छा यहाँ निकल के आता है कि जो मेरा एलिजिबल क्रेडिट है क्या वो किसी नोटिफिकेशन के थ्रू डिसअलाउ हो सकता है, लैप्स किया जा सकता है? तो सर इसके लिए मैं कहूंगा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है अंटिल एंड अनलेस आप एक्ट को अमेंड करो। जो चीज़ मुझे एक्ट अलाउ करती है वो किसी भी नोटिफिकेशन के थ्रू मुझे मना नहीं की जा सकती। सेकंड सर एक निकल के आता है सेक्शन 54, अगर मैं उसको रीड करूँ विद नोटिफिकेशन 5/2017, वो बात करता है मेरा रिफंड रिस्ट्रिक्ट करने की, जो अनयूटिलाइज आईटीसी बच गया है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे सेक्शन 54 में मेरे को कहीं नहीं मना किया गया, तो जो मेरा अनयूटिलाइज आईटीसी है मैं उसको फॉर पेमेंट यूज नहीं कर सकता। हमेशा ही मैं उसको आगे कैरी फॉरवर्ड पहले भी होता था, करके ले जाता था, और मुझे लगता है अभी भी, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आए वो सेक्शन 54 में आए, एम्पावर किया सेक्शन 54 ने, तो उसमें सिर्फ जो पावर सरकार के पास है वो रिफंड रिस्ट्रिक्ट करने की है, ना कि आईटीसी का यूटिलाइजेशन रिस्ट्रिक्ट करने की है। तो हमारे व्यू में मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि ये जो एक्युमुलेटेड आईटीसी बचा हुआ लैप्स करने की बात है, कहीं ना कहीं सरकार ने उस लाइन पे शायद सोचा नहीं है, क्योंकि एक्ट जिस चीज़ की सरकार को पावर नहीं देता वो नोटिफिकेशन के थ्रू उस चीज़ को ला नहीं सकते। योगेश जी ने भी कहा कि एक्ट सुपरसीड करता है, एक्ट सुप्रीम है, और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार जल्दी ही कोई ना कोई क्लैरिफिकेशन इसके ऊपर लाएगी। हमारा व्यू ये है दोस्तों कि आप इस एक्युमुलेटेड क्रेडिट को एडजस्ट अपने आउटपुट टैक्स से
इस मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक काम करना चाहिए कि 31 जुलाई तक का जो एक्युमुलेटेड क्रेडिट है उसका अकाउंट सेपरेट बनाना चाहिए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और 1 अगस्त से जो क्रेडिट खड़ा हो रहा है, शुरू हो रहा है, उसका अकाउंट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सेपरेट बनाना चाहिए। 31 जुलाई तक का जो क्रेडिट है उसको आप जुलाई के मंथ तक तो एडजस्ट करें करें, बल्कि फ्यूचर में जो और भी महीने हैं, आगे आने वाले टैक्स पीरियड है, उनसे भी एडजस्ट करते रहे। ये हमारा पर्सनल ओपिनियन है दोस्तों, और इसकी क्लेरिफिकेशन हम एक्सपेक्ट करते हैं सरकार से, बहुत जल्दी आएगी। क्रेडिट शैल नॉट लैप्स, दे कैन नॉट डू सो। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स, थैंक यू योगेश जी फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।